INS, extremely fearless journalism. ये एक दो दिन पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला किया कि एक बिल, लैंग्वेज बिल जो पार्लियामेंट में लेने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज के मुतल्लिक, वो एक वन साइडेड फैसला है जिसमें उन्होंने किसी भी आदमी को यहाँ स्टेट में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। हमें किसी भी लैंग्वेज के से कोई शिकायत नहीं, चाहे उन्होंने कश्मीरी को इंक्लूड किया, डोगरी को इंक्लूड किया और हिंदी को इंक्लूड किया, और ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू जो थी वो मौजूद थी। पर एक चीज़ है कि उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको इग्नोर कर दिया। हमारे जो J&K कॉन्स्टिट्यूशन में ये रीजनल लैंग्वेजेस थी वो बाज़ाफ्ता तौर पर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस थी, जिसमें डोगरी थी, जिसमें हमारे पंजाबी थी, बल्ती थी और भी कुछ ज़बानें जो हैं हमारी उसमें रिकॉग्नाइज थी। लेकिन आर्टिकल 370 के जाने के बाद ये J&K कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर वो नहीं रही एप्लीकेबिलिटी। उसमें जो इन्होंने रीजनल लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज थी हमारे J&K कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इन्होंने इस बार बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हमारी पंजाबी ज़बान जो है, ये ज़बान खाली ये सिख ही नहीं बोलते बट ये नॉन सिख भी बोलते हैं, और कई मतलब 50-60 लोग इतने फेमस मुस्लिम राइटर हैं, हिंदू राइटर हैं पंजाबी ज़बान के जम्मू कश्मीर में, जिनकी हज़ारों किताबें यहाँ हैं। पर ये ज़बान जो है पंजाबी ज़बान, ये सिखों की एक बहुत पुरानी ज़बान है जम्मू कश्मीर में, 100 साल से पहले की ज़बान यहाँ है। और यहाँ पर बेसिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी, यहाँ तक कि जम्मू के यूनिवर्सिटी में एक शोभा भी पंजाबी डिपार्टमेंट का है। जम्मू कश्मीर की जो कल्चरल एकेडमी है उसमें भी एक सेक्शन जो है वो पंजाबी सेक्शन है। उसके तहत ये हर महीने में एक मैगज़ीन निकालते हैं, रसाला इसका पंजाबी का। तो इतना बड़ा बेस पंजाबी का होने के बाद, और पंजाबी वर्ल्ड में एक 5वें नंबर की लैंग्वेज है, ये दोनों खितों में बोली जाती है, जम्मू के खिते में भी बोली जाती है और कश्मीर के खिते में भी बोली जाती है। जबकि अभी डोगरी को इन्होंने लाया, वो केवल जम्मू में ही बोली जाती है, कश्मीर में कोई बोलने वाला नहीं। मेरा वो बात नहीं, आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि साहब इस ज़बान का, पंजाबी ज़बान का एक बहुत ही बड़ा रिच कल्चर और इसकी एक हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने इस पंजाबी ज़बान को इस रिकॉग्निशन से बाहर कर दिया। इस पर सिख बरादरी जो है ये बहुत नाराज़ हैं। और जम्मू में हाल ही में थोड़ा सा उन्होंने अभी कोविड को देखते हुए छोटे प्रोटेस्ट किए, कश्मीर में भी कुछ थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन लोगों ने की इस मामले में कि साहब ये हमसे ज़्यादती हुई है। अगर कोविड की पुष्टि ना होती तो लोग यहाँ पर सड़कों पर आ जाते। तो आज हम ये कह रहे हैं सरकार से कि बिल को पास करने से पहले इसको रिकंसिडर करें, और इसको दोबारा जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी ज़बान है, इनको उसमें इंक्लूड करें, उसके बाद पास करें। आया तो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी थी बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सी वाबस्तगियाँ थी कश्मीर के लोगों की, और आज ऐसा करने से आप माइनॉरिटी को भी नाराज़ कर रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप लोग? तो इसलिए मैं ये सेंट्रल सरकार से कहता हूँ कि साहब आपने मेजॉरिटी को नाराज़ कर रखा है, अब माइनॉरिटी को भी नाराज़ करेंगे तो ये बड़ा डेट्रिमेंटल होगा हमारी स्टेट के लिए, और देश में लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम इस मामले में अभी सरकार को कह रहे हैं कि साहब आप अपनी इसको रिकंसिडर कीजिए, ताकि ये पार्लियामेंट बिल जो है ये तभी पास करें जब हमारी रीजनल लैंग्वेज को भी उसमें लाया जाए। INS, extremely fearless journalism.